हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इंडियन पॉलिटी 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट टू करवाने जा रहा हूँ। तो सभी का स्वागत है। तो चलिए, इंडियन पॉलिटी का पार्ट टू का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायर आर्की इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, या एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंसल लेजिस्लेचर। तो इन ए बी सी डी में सही आंसर कौन सा होगा? सो द राइट आंसर विल ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द हायरार्की इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो द राइट आंसर, दैट मीन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन चार में से ऑप्शन ए में दिया गया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राउंड टुक बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इन टू इट्स ओन हैंड्स बाई वॉट? चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, या गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन ए में दिया गया, सेकेंड वन फर्स्ट वन आर करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, और फास्ट एंड थर्ड करेक्ट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इसका मतलब दो एंड तीन नंबर में जो दिया गया सी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट 1935। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश सेकुलर स्टेट, मीनिंग ऑप्शन वन में द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इज इक्वली, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल, educational institution without exception are free to impart religious instruction, the state makes no discrimination on the basis of the religion in matters of the employment। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है, वन एंड टू, बी में वन टू थ्री, सी में टू थ्री फोर, डी में वन टू एंड फोर। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स एक, दो एंड चार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फोर लायंस, कैरियर व्हील, हॉर्स और वर्ड सत्यमेव जयते। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, फोर लायंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई
चार्टर एक्ट ऑफ 1830, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। तो इन चार में से कौन सा आंसर सही होगा? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ नाइन्थ क्वेश्चन पे जो दिया गया है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है ये सबसे आसान कुछ सवाल है। सो ऑप्शन ए में दिया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी में है महात्मा गांधी, सी में है जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हेन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंसेस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस? फरवरी 1947, अगस्त 1947, जून 1948 या जून 1949। सो द सही आंसर होगा उसका सी, 1948 जून। हु प्रपोज द प्रीएम्बल ऑफ बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी? ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935, इट इज ए मिक्सचर ऑफ द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन या इट इज ए ओरिजिनल? सो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द अमेंडमेंट प्रोसीड्योर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1947, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके? सो कौन सा आंसर सही होगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट प्रोसीड्योर, आर्टिकल नंबर कितना 368। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, कोलकाता, लाहौर, न्यू दिल्ली? तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? सो द सही आंसर इसका होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण या के एम मुंशी? तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। विच एमंग द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ ए फेडरल स्टेट? द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन, इट इज अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए में देगा वन ओनली, बी में दो ओनली, सी में वन एंड टू, डी में वन एंड टू। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, that means the power of the central and the state governments are clearly laid down. Next question, who was the first foreign minister of pre-India? Jawaharlal Nehru, Gulzarilal Nanda, Lal Bahadur Shastri, Janamathai? ये सबसे बढ़िया आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। Which one among the following is a fundamental duty of citizens under the constitution of India? To provide friendly cooperation to the people of the neighboring countries, to protect monuments of national importance, to defend the country and render national services when called upon to do so, to know more and more about the history of India? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, to defend the country and render national service when called upon to do so. So ये आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू ऑल आर
enjoying this session, and please like, comment and share. जितना हो सके आप लोग उतना comment कीजिए.